हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक एक बार वापस से न्यू वीडियो के साथ। लास्टली मैंने बहुत कुछ सिखाया था आपको इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी और सारे सम्स मैंने आपको खुद कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो जितने भी वीडियोज मैंने बनाए उसमें अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको मैं इलस्ट्रेशंस बताऊंगी सारे एंड एक्सरसाइज के भी सम सॉल्व करके बताऊंगी। पहले जानते हैं थोड़ी थियोरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, उसके कितने मेथड्स होते हैं, उसको कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज अवर टॉपिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन, द नंबर शोविंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बहुत जरूरी है क्या फाइंड करने में, लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग जानने में, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो ये हम कैसे करते हैं, कंपैरिजन करके करंट ईयर को, करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंपेयर करते हैं बेस ईयर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के साथ। सो हमें पता चलता है कि कितना ओवरऑल राइज इन परसेंटेज हुआ है या डिक्रीज इन परसेंटेज हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। ओके, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। सपोज एक फैमिली है, ओके, उस फैमिली में मंथली एक्सपेंस, क्या मंथली एक्सपेंस 2014 में उसका मंथली एक्सपेंस कितना करती थी फैमिली, 15,000, ओके, और सेम 2016 में फैमिली का मंथली एक्सपेंस कितना हो गया था, बढ़ के 18,000। तो अब यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, उनका लिविंग जो है मंथली एक्सपेंस है, उनका लिविंग का जितना भी खर्चा है, एक्सपेंस है उनका, वो 2014 में 15,000 था और 2016 में 18,000 था। तो यहाँ पे मुझे जानना है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, तो कैसे पता लगेगा। ओके, तो अब मैं मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन बेस ईयर टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल एक्सपेंडिचर क्यों लिखा, बिकॉज ये हमने एक्सपेंस किया है ना, मंथली एक्सपेंस है ये फैमिली का, सो दैट्स वाई करंट ईयर का एक्सपेंडिचर अपॉन बेस ईयर का एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट्स आपको एक्सपेंडिचर अलग अलग आइटम्स के बेस पे भी दिया जाता है। ओके, जैसे कि जो भी एसेंशियल बेसिक नेसेसिटीज की जो आइटम्स है उसके बेस पे अकॉर्डिंग भी आपको अलग अलग यहाँ पे दिया जाता है। वैसे भी हम सम्स करेंगे आगे सॉल्व, ये थोड़ा सा पहले जान ले कि क्या होता है डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2014 करंट ईयर, अब यहाँ पे हमारा करंट ईयर कौन सा होगा, 2014 16 होगा हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर का हम ले लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 18,000 और बेस ईयर क्या है 2014, तो उसका आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कितना आ जाएगा हमारा 120। ओके आंसर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि हमें फाइंड करना है ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम ओवरऑल कैसे फाइंड करते हैं, जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होगा माइनस 100।
तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर माइनस 100। अब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना आया, 120। सो 120 माइनस 100 कितना आएगा, 20%। तो हमारा ओवरऑल राइस हुआ है, ओके। लिविंग इंडेक्स में हमारा एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो गया है, 20% से हमारा इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंस, इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंस इज इक्वल टू 20%। 20% इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंस हो गया 2014 से 16 के बीच में, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन, और उसके बेस पे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है ये। तो होप कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है और किस तरीके से इसे फाइंड किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्या देखेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ओके। कंस्ट्रक्ट करना है हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को। इसके लिए सबसे एसेंशियल चीज होती है वो सबसे पहले वेट। व्हाट इज वेट? वेट आपको पता होता है कि जो भी आपका आइटम रहता है उसका जितना भी वेट है वो बेस ईयर का, करंट ईयर का, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी के साथ मेजर करके अपने वेटेड एवरेज मेथड में वेट क्या होता है वो जाना है। तो यहाँ पे सबसे एक एसेंशियल चीज होती है वो वेट। अब वेट के यहाँ पे दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है इम्प्लिसिट, दूसरा रहता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में वेट मीन्स इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है वेट असाइन करने का, और एंड इट कैनॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। इम्प्लिसिट वेट जो है वो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट मेथड होता है वेट असाइन करने का। सेम सेकेंड एक्सप्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट इसका ऑपोजिट, ये डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड एंड एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली टू असाइन वेट, ओके। वेट असाइन करने का ये डायरेक्ट मेथड होता है और इसको न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट वेट के भी यहाँ पे कितने हैं, दो मेथड। एक्सप्लिसिट वेट को मेजर करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड है फैमिली बजट, फैमिली बजट मेथड। फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड फैमिली बजट मेथड। नाउ व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मींस जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है वो, टोटल एक्सपेंडिचर में वेरी एसेंशियल चीज होती है, सबसे एसेंशियल जो रहता है वो हमें रहता है प्राइस एंड क्वांटिटी। ये सेम एज मेथड रहता है ILNIP का, इसमें सेम फॉर्मूला यूज होते हैं ILNIP के, मतलब लेस पीरियड एंड पैचेस का ही मेथड इसमें यूज होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी को यहाँ पे बहुत मायने करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी, विदाउट दिस बोथ थिंग्स
वी कांट कैलकुलेट दिस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि हम ये दोनों मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज एक में तो करंट ईयर की सिर्फ क्वांटिटी चाहिए और दूसरे में बेस ईयर की चाहिए। सो यहाँ पे हमें IL का फॉर्मूला क्या था, IL इक्वल्स टू P1Q0 अपॉन P0Q0, एंड IP का क्या था, P1Q1 अपॉन P0Q1। यही था IL एंड IP का फॉर्मूला। अब यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सेम IL एंड IP ही, बस आपको इतना देखना होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो आपका डेटा गिवन है, वो डेटा किसका गिवन है, बेस ईयर का करंट ईयर का। बिकॉज IL के फॉर्मूला में प्राइस हमें करंट ईयर की चाहिए और बाकी सारी चीजें बेस ईयर की, तो जिसमें करंट ईयर की प्राइस गिवन है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन बेस ईयर के लिए गिवन है। सो मतलब उस और टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने बोला है तो आपको IL के फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर आपको IP की इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको उस मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मैं एक इलस्ट्रेशन बताऊंगी अभी आपको बुक में, वो कैसे करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, पहले मैं आपको उसके साथ समझाऊंगी ये सम, देन फिर हम एक्सरसाइज के सम्स भी सॉल्व करेंगे। देन सेकेंड आता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड मीन्स वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज, ओके वेटेड एवरेज। और इसका जो है वो IL एंड IP का वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, समीशन IW अपॉन सिग्मा W, ये था ना वेटेड एवरेज का। तो सेम मेथड है हमारा फैमिली बजट का। फैमिली बजट अगर आपको कैलकुलेट करने बोला है, मतलब आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है। एक बार आपको मैं टेक्स्ट बुक में भी ये दिखाती हूँ, ये वेट एंड उसका डेफिनेशन एंड ये टोटल एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट मेथड के ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टू दो मेथड होते हैं वेट के, तो मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट मेथड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, फैमिली बजट क्या होता है। तो देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर फॉर एवरी आइटम इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर इज फाउंड यूजिंग द कंजप्शन ऑफ दिस आइटम एंड फर्दर द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल आइटम्स इज ऑब्टेन फॉर बोथ द ईयर्स। द परसेंटेज रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर विद द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आपको करंट ईयर और बेस ईयर दोनों का क्वांटिटी और प्राइस का कंजप्शन, कितना कंजप्शन उसका हुआ है, कितना क्वांटिटी उसको उसने कंज्यूम की है, कितनी उसकी प्राइस थी, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने पहले ही बोला प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे बहुत एसेंशियल चीज है, दोनों इन दोनों के बिना आपका ये मेथड कैलकुलेट नहीं होता है। तो P0 मतलब आपका प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ओके एंड Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर। ओके, सो इफ द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज यूज फॉर फाइंडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर करंट एंड बेस ईयर, सिग्मा P1Q0 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर एंड P0Q0 इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट, P1Q0 एंड बेस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर P0Q0, जो कि हमारा आईपी हम जो कैलकुलेट करते हैं, आईपी का टोटल करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर आईपी से हम अगर कैलकुलेट करें, आईपी का फॉर्मूला उसमें जो हम बेस ईयर में लेते हैं, तो बेस ईयर में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या लेते हैं, समीशन P1Q0 एंड हमारा IL का बेस ईयर क्या होता है स्टूडेंट, IL कैलकुलेट करने का बेस ईयर
समीशन पी जीरो क्यू जीरो, मतलब यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला आएंगे तो वो किसके फॉर्मूला आएंगे, ILN IP के। ओके, तो मैंने आपको बुक में भी बताया करके, ये देखो नेक्स्ट करंट ईयर का, तो यहाँ पे लिखा है दिस फार्मूला इज अ फार्मूला ऑफ लेस्पेरेज इंडेक्स नंबर। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है फार्मूला कौन सा कैलकुलेट किया हुआ है, और ये क्या है पैचेज इंडेक्स नंबर। अब फैमिली मेथड ऑफ फैमिली बजट, इन दिस मेथड द परसेंटेज प्राइस रिलेटिव आई इज फाउंड फर्स्ट एवरी आइटम। हियर आई इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। पी वन जो होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, पी जीरो प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये तो अब हमें अच्छे से पता चल गया है। देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी आइटम पी जीरो क्यू जीरो इन द बेस ईयर इज फाउंड एंड इट इज टेकन एज अ वेट। वेट का फॉर्मूला क्या है, पी जीरो इंटू क्यू जीरो करते हैं तो हमें वेट मिलता है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। तो हम फैमिली बजट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो सेम एज वेटेड एवरेज हम जो कैलकुलेट करते हैं वही है, मैंने जो बुक में दिखाया है सबमिशन आई डब्ल्यू अपॉन सबमिशन डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो देख सकते हो आप आई डब्ल्यू मीन्स सिग्मा पी वन क्यू जीरो, बिकॉज डब्ल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है पी जीरो क्यू जीरो। दिखाती हूँ मैं आपको एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे पी जीरो क्यू जीरो जो है वो वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है एंड पी वन ये जो है ये इंडेक्स नंबर का हम आई कैलकुलेट करते हैं वो, और हमारा फॉर्मूला क्या है वेटेज एवरेज का, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ओके, सो आई यहाँ पे आई का फॉर्मूला देखो पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डब्ल्यू का फॉर्मूला ये पी जीरो क्यू जीरो, ये है आई एंड ये डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो, मतलब पी जीरो क्यू जीरो वापस कौन सा है डब्ल्यू का फॉर्मूला, तो बन गया ये फॉर्मूला। तो इसको हमने डायरेक्टली एक ही वे में लिख दिया बिकॉज पी जीरो इक्वल है तो पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पी जीरो, तो हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ जाता है पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो। तो द इंडेक्स नंबर ऑप्टेन बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट इज लेस्पेरेज इंडेक्स नंबर, इसको हम कौन सा इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं, लेस्पेरेज इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम फॉर लिविंग एंड देयर वेट। क्या फाइंड करना है हमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड करना है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम्स गिवन है, पहला फूड आइटम्स, सेकेंड क्लोदिंग, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, फोर्थ हाउस रेंट एंड फिफ्थ मिसलिनियस आइटम, और इंडेक्स नंबर गिवन है और वेट गिवन है, मतलब हमें इंडेक्स नंबर ऑफ वेट गिवन है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला से करना पड़ेगा, फैमिली बजट मेथड से, बिकॉज वेट हमें किस फॉर्मूला में चाहिए, फैमिली बजट मेथड में चाहिए, तो हमें कैलकुलेट किससे करना पड़ेगा, फैमिली बजट मेथड से। ओके, ये आपको क्वेश्चन से इजीली मालूम पड़ जाता है कि आपको कौन से मेथड से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सो फर्स्ट ग्रुप इंडेक्स नंबर आई, जो कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, पर यहाँ पे हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेट भी आपको गिवन है, इंडेक्स नंबर गिवन है, वेट गिवन है, अब हमें क्या करना है सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई डब्ल्यू फाइन करने के लिए। तो 281 इंटू 46 कितना आएगा, 12,926। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 177 इंटू 10 कितना आएगा, 1770। वापस इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल का मल्टीप्लाई करेंगे, 178 इंटू 7
1246। हाउस रेंट का 210 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा 2520। सिमिलरली मिसिलिनियस का 242 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा 6050। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल 24512। अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट जब करते हैं तो पता है आई इंटू डब्ल्यू उसका टोटल हमें चाहिए, क्या चाहिए उसका टोटल। तो हमने यहाँ पे टोटल फाइंड किया है, देख सकते हो आप ये टोटल है हमारा फाइंड किया हुआ, तो वो हम लिखेंगे डायरेक्टली 24512 होल डिवाइडेड बाय वेट। उसका वेट कितना है हमें यहाँ पे मिला 100, तो हमने 24512 डिवाइडेड बाय 100 किया, हमारा आंसर क्या आ गया 245.12। तो इट कैन बी सेड दैट राइज ऑफ, अब ओवरऑल राइज कितना हुआ तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ओवरऑल राइज क्या आ गया 145.12% क्या हुआ टोटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर का कंपेयर किया बेस ईयर से, तो हमें इतना एक्सपेंस बढ़ गया हमारा 145.12%। तो ये हमने फैमिली बजट मेथड से फाइंड किया इंडेक्स नंबर ओके कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब सिमिलरली सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फैमिली बजट मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है और दूसरा फैमिली बजट मेथड से कैलकुलेट करना है विद द ईयर 2015 विद बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा। बेस ईयर हमें कौन सा लेना है 2014। आइटम यहाँ पे आपको गिवन है, आइटम वीट राइस टूअर ऑयल क्लोथ एंड कैरोसिन, यूनिट भी उनका गिवन है। अब यहाँ पे यूनिट गिवन है तो चेक करना पड़ेगा कि सारा यूनिट तो सही है, बिकॉज लास्ट हमने चेन बेस वाले मेथड में देखा था कि यूनिट को जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते वक्त हमने चेंज किया था यूनिट के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी पहले चेक कर लेना कि सारी यूनिट्स और क्वांटिटी इक्वल है या प्राइस इक्वल है कि या नहीं, पर केजी का हमें चाहिए। यहाँ पे 35 केजी का गिवन है प्राइस, पर ये हो जाए ये डायरेक्टली क्विंटल केजी केजी ये 1 किलोग्राम में ही दिया गया है, यूनिट पूरा 1 किलोग्राम में है, सो यहाँ पे नीचे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट में अगर 35 केजी 25 केजी गिवन होता तो हम प्राइस भी इसकी चेंज करते, पर यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज यूनिट में सब पर केजी पर क्विंटल दिया हुआ है, पर लीटर देख सकते हो आप। सो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ईयर 2014, अब 2014 हमारा क्या है ये सबसे पहले मुझे बताइए। 2014 जी हाँ 2014 को हमने क्या माना है बेस ईयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q0, क्या हो जाएगा ये Q0। Q0 क्या क्वांटिटी ऑफ द ईयर एंड नेक्स्ट क्या है प्राइस ऑफ द ईयर, तो प्राइस ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा 2014 वाला मतलब P0 एंड प्राइस ऑफ द ईयर 2015 का ये क्या हो जाएगा P1, क्या हो जाएगा P1। तो मतलब यहाँ पे हमें P1 P0 Q0, तो ये किस में आता है ये कौन से फॉर्मूला में आएगा IL के फॉर्मूला में, बिकॉज IL का फॉर्मूला क्या है P1 Q0 अपॉन P0 Q0, ये फॉर्मूला है IL का। तो मतलब हमें तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, तो ये लेस्पिरियस फॉर्मूला से ये फाइंड होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए आगे देखो टोटल एक्सपेंडिचर हमें Q0 P0 P1 गिवन है, तो हमने पहले क्या फाइंड किया P1 Q0 मतलब P1 इंटू Q0 35 इंटू 18 360, 25 इंटू 45 1125। सिमिलरली हमने सारा कैलकुलेट करते हुए P0 Q0 फाइंड किया, बिकॉज हमें 1000 का चाहिए ना P1 Q0 P0 Q0, तो ऐसे हमने पूरा टोटल निकाल दिया यहाँ पे नीचे और लेस्पिरियस मेथड से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड किया।
लेस्पेरिस फार्मूला यूज करके। हमें यहाँ पे वही देखना होगा कि आपको डेटा कौन सा गिवन है। आपको डेटा यहाँ पे कौन सा गिवन था, करंट ईयर की एक प्राइस गिवन थी और दोनों बेस ईयर, एक बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन थी, तो वो फार्मूला लेस्पेरिस में यूज होता है। तो हमने यहाँ पे लेस्पेरिस से फाइंड किया। अगर पैचिस का आपको डेटा गिवन होगा तो पैचिस से आप फाइंड करोगे। देखिए आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6480 अपॉन 4580 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया आपका आंसर 141.48। हमारा राइज इन प्राइस कितना हुआ, तो राइज इन प्राइस तो इजीली हम निकाल सकते हैं, माइनस 100 कर दो, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ पता चल जाएगा आपको। सेम इसको फैमिली बजट मेथड से करना है। स्टूडेंट फैमिली बजट मेथड क्या होता है, दोनों मेथड बोले हैं। फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेज एवरेज मेथड, और वेटेज एवरेज मेथड के लिए हमें सबसे पहले कुछ चाहिए, तो क्या चीज़ चाहिए, इंडेक्स नंबर आई। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, P1 अपॉन P0 करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस गिवन है, यस। बेस ईयर की गिवन है, यस। करंट ईयर की प्राइस कौन सी हो जाएगी, ओके वेट मैं आपको इससे दिखाती हूँ। करंट ईयर की प्राइस हमारी P1 और बेस ईयर की प्राइस P0। क्या हम आई निकाल सकते हैं या इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं हम, तो हमने क्या किया 18 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आया हमारा निकल के। इसी तरीके से हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे आई के लिए। अब वेट, क्या हमें वेट गिवन है, नो, पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, P0 इंटू Q0। क्या हमें P0 Q0 गिवन है, यस। यहाँ पे आप देख सकते हो P0 क्या है, गिवन है 16, Q0 भी गिवन है 35। इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, आएगा आंसर हमारा 560। इसी तरीके से हम आगे के भी ये सारे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए, IW। IW मीन्स आई एंड W का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन उसका ओवरऑल हमें टोटल चाहिए फाइंड करने का, और वेट का हमें पूरा टोटल चाहिए फाइंड करने का। तो हमारा आई आया मल्टीप्लाई करके 63,000, यहाँ पे वेट 560 आ गया था पहले से। IW मतलब 102.5 मल्टीप्लाई बाई 560, तो हमारा आ जाएगा आंसर 63,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा टोटल, ये वेट का टोटल है और ये IW का टोटल है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट नंबर मेथड मतलब वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ओके। तो देखो IW अपॉन W डिवाइडेड बाय W, ये रहा यहाँ पे गिवन है आपको IW अपॉन W अपॉन W, ये फॉर्मूला फैमिली बजट का, और हमने जो भी टोटल किया था वेट का और ये इसमें आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया 141.48, ओके। तो हम फैमिली बजट मेथड से भी अगर फाइंड करें तो हमारा आंसर क्या सेम ही आ गया। तो हम देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर से जो फाइंड किया फिर भी आंसर 141.48 था, एंड फैमिली बजट से फाइंड किया फिर भी हमारा आंसर 141.48 है। तो दोनों मेथड से आंसर तो आपका सिमिलर ही आएगा, पर आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन हो दोनों मेथड से फाइंड करना होगा तो आपको दोनों से फाइंड करना होगा। सेम एज इलस्ट्रेशन 19, द डेटा रिफरिंग टू वर्कर क्लास ऑफ CTRS फॉलोज, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर ईयर 2014 and 15। इफ़ द वेजेस ऑफ दीज वर्कर इन 2014 आर इंक्रीज बाई 5%, अगर इसको इंक्रीज किया जाए 5% से इन ईयर 2015, इज राइज इन वेज सफिशियंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या सफिशियंट होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक बाजू वेट गिवन है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर गिवन है। पहला ग्रुप है
2014 का और दूसरा ग्रुप है 2015 का। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, आपको इंडेक्स नंबर गिवन है, यहाँ पे आपको प्राइस नहीं गिवन है कि आप इंडेक्स नंबर फाइंड करो। यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है, पर यहाँ पे तो दो इंडेक्स नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे दो इंडेक्स नंबर गिवन है, तो एक हमारा इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा जो ईयर 2014 के लिए होगा, और दूसरा होगा इंडेक्स नंबर 2 जो ईयर हमारा होगा 2015 के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा है ग्रुप वेट, तो वेट का टोटल निकाल लिया, ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर 2014 को क्या दिया इन लोग ने, I1 मतलब इंडेक्स 1, देन सेकेंड ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2015 I2 इंडेक्स 2 और I1W into I2W। I1W means this and I2W means this। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 ये, इंडेक्स नंबर 2 ये। अब W तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, I1W हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, I1 की फिगर और W मतलब 210 मल्टीप्लाई बाई 48, तो हमारा क्या आ जाएगा I1W आ जाएगा 10,008। सिमिलरली हम I2W निकालेंगे, I2 मीन्स 230 मल्टीप्लाई बाई 48। हम I2 का निकालेंगे, तो I2 का निकालते वक्त 230 मल्टीप्लाई बाई 48, तो हमारा I2 का निकल के आ जाएगा 11,040। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कि इसी तरीके से सारा कैलकुलेट किया और नीचे हमने टोटल लास्ट में फाइंड किया। सो एक इंडेक्स नंबर हमने निकाला ईयर 2014 के लिए, एक इंडेक्स नंबर 2014 के लिए निकाला I1W/W, कितना निकला 210, एंड सेकेंड इंडेक्स नंबर हमने निकाला I2W ईयर 2015 का, कितना आया 225.40। अब यहाँ पे हमें इंक्रीज इन राइज बताना है, देयर इज अ राइज ऑफ दोनों ईयर के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ 14.8%, दोनों ईयर का माइनस कर देंगे हम, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू बेस ईयर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जनरल इंडेक्स नंबर यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो कितना परसेंट हमें इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, दस द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2015 इज 14.8, यहाँ से आया हमारा कितना इंक्रीज हुआ था परसेंटेज, अपॉन 2015 का लिया है, तो हमारा बेस ईयर कौन सा होगा 2014 का लेना पड़ेगा 210.60, तो डिवाइडेड बाय 210.60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7.03 आंसर एज कंपेयर टू ईयर 2014। अगर 2015 के डेटा को 14 से कंपेयर करें तो कितना, हैंस द राइज ऑफ 5% इन वेज ऑफ ईयर 2014 इज नॉट सफिशियंट, मतलब ये सफिशियंट नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फाइंड करने के लिए, बिकॉज हमारा डेटा की बहुत लो जा रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई जा रहा है और कंपेयर टू 2014। ये सब इलस्ट्रेशन आपको अभी टेक्स्ट बुक में देखते थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है आप, और यहाँ पे आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल सकते हैं, आप ये स्टेप बाय स्टेप भी मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लास्टली सिर्फ ये फाइंड नहीं किया आपने, या कुछ जल्दबाजी में ये फाइंड नहीं हो रहा है, आप भूल गए लास्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो इट्स डजेंट मैटर, इट्स ये आपको हाफ मार्क्स तो आपको मिल ही सकते हैं, मतलब अगर आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये सम हो इस तरीके का, और आपने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर दिया हो I1W, I2W और आपका इंडेक्स नंबर भी दोनों सही हो, तो आपका अगर ये 5 मार्क्स का सम होगा तो आपको 3 मार्क्स तो यहाँ पे पक्के हैं, 3 और 4 मार्क्स, बस खाली आपको 1 या 1.5 मार्क्स कटेंगे ओनली इसके,
और ये इजी है फाइंड करना, बहुत टेंशन वाली कुछ बात नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है। इलस्ट्रेशन 20। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2014 बाई फाइंडिंग इंडेक्स नंबर। इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिलीज 30,000 ड्यूरिंग ईयर 2014 एंड एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ड्यूरिंग ईयर 2015 35,000, देन अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट इंडेक्स नंबर व्हाट शुड बी द राइज इन एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे एक एवरेज डिस्पोजेबल इनकम किसकी दी हुई है, बेस ईयर की 30,000 दी है और करंट ईयर की 35,000 दी गई है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या मेंटेन होगा बेस ईयर का, वो फाइंड करना है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा गिवन है, वेट गिवन है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ऑफ ग्रुप इन 2015 मतलब करंट ईयर का आपको परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब आई गिवन है आपको, क्या इंडेक्स नंबर गिवन है। तो ये आपका इंडेक्स नंबर वेट, तो हमें आई डब्ल्यू सिंपल कैलकुलेट कर लिया, देन आई इंटू डब्ल्यू 130 इंटू 40 150 इंटू 20 इसका सब टोटल कर लिया, लास्ट में कितना आया आई डब्ल्यू 13,450 एंड वेट क्या आया 100। तो सेम एज इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड, आई इक्वल्स टू समीशन आई डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, देन 13,450 अपॉन 100 आया आपका 134.5। तो आपका राइज इन प्राइस कितना है 34.5% इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ईयर 2015 कंपेयर्ड टू ईयर 2014। यहाँ तक तो आपको बहुत ईजीली कैलकुलेट करना आप आ गया होगा, अगर कुछ डिफ़िकल्टी आएगी तो आपको नेक्स्ट ही आएगी मतलब आगे। सो आगे क्या कर, अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2015 द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज बेस ईयर। आपको बेस ईयर का सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आपको कौन से ईयर का लेना पड़ेगा, करंट ईयर का हमने कैलकुलेट किया, करंट ईयर का हम लेंगे 134.50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30,000 इनकम ऑफ बेस ईयर, बिकॉज हमें यहाँ पे इनकम ऑफ बेस ईयर गिवन है, नहीं गिवन होती तो हम डायरेक्टली 100 लेते थे, और इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर जो कि हमें पता नहीं है तो हम क्या लेंगे उसमें 100। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर क्या आया 40,350। द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फैमिली, तो कितना आया, जो हमारा कितना था करंट ईयर का, करंट ईयर का हमारा है 40,350। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट ईयर का 35,000 है और बेस ईयर का है 2014 30,000 और करंट ईयर का 35, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कित इंक्रीज बताया है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इंडेक्स नंबर 2015 को लेकर के, तो हमारा आया करंट ईयर को करंट ईयर से कंपेयर किया तो हमने कितना इंक्रीज किया है यहाँ पे 5,350 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, करंट ईयर की ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। हम थियरी के बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड सम मैंने यहाँ पे लिया है, बिकॉज जो फर्स्ट सम है वो एकदम सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन एकदम इजी है। इंडेक्स नंबर वेटेड एवरेज से फाइंड करना है, उसमें फैमिली बजट मेथड है तो वो वेटेड एवरेज से फाइंड करना है। आपको इंडेक्स नंबर भी गिवन है, वेट भी गिवन है, सिंपली आई डब्ल्यू कैलकुलेट कर करना है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड सम से स्टार्ट किया है। सेकेंड सम, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट मेथड। कौन सा मेथड से फाइंड करना है, फैमिली बजट मतलब वेटेड एवरेज मेथड। From the following data about prices and consumption for the food items interpreted. ये आपको data given था उसमें question में। Items आपको given है wheat, rice, bajri, tuwar dal। उसकी quantity, price और year 2014 की price given है। तो यहाँ पर हमारा कौन से year के लिए compute करना है, 2014 मतलब 2014 का क्या हो गया हमारा current year। तो इसको क्या हम लिख लेंगे P1। सिंपली ईयर 2010 क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा, तो इसकी क्वांटिटी हम क्या लिखेंगे Q0 और प्राइस क्या हो जाएगी P0। तो क्या हमें अभी फैमिली बजट मेथड में
फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज का, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। पर हमें यहाँ पे ना ही आई डब्ल्यू है ना ही डब्ल्यू है, तो हमें दोनों क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आई डब्ल्यू के लिए आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स। हमें क्या चाहिए, करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस, जो कि दोनों हमारे पास है। तो फर्स्ट क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आई, 120। सेकेंड 40 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100 125। 14 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 116.67। सेवेंटी डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया, 140। ओके, अब डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, पी जीरो क्यू जीरो क्या हमारे पास है, यस। प्राइस हमें बेस ईयर की गिवन है मल्टीप्लाई बाई बेस ईयर की क्वांटिटी। सो 50 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आएगा, 900। नेक्स्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आएगा, 1280। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा, 180। 25 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आएगा, 1250। ओके, 900, 1280, 180, 1250। अब ये हमारा W मिल गया, हमें वेट मिल गया और ये इंडेक्स नंबर हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, आई डब्ल्यू मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 120 इंटू 900 कितना आएगा, 120 इंटू 900 108000, 108000। नेक्स्ट 125 इंटू 1280 160000। वन 116.67 मल्टीप्लाई बाई 180 21000। वन 40 मल्टीप्लाई बाई 1250 175000। ओके, तो हमने यहाँ पे आई डब्ल्यू भी कैलकुलेट किया है, आई इंटू डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल और वेट का टोटल। तो करते हैं वेट का टोटल, 900 प्लस 1280 प्लस 180 प्लस 1250। वेट का टोटल आ गया हमारा 3610। अब आई डब्ल्यू का टोटल 108000 प्लस 160000 प्लस 21000 प्लस 175000, तो आ गया हमारा 464000। ओके, सो फैमिली बजट मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फैमिली बजट मेथड इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू हमारा कितना मिला, 464000, और डब्ल्यू कितना मिला हमें, 3610 डिवाइडेड बाई 3610 करेंगे इसको, आंसर क्या आया हमारा, 128.53। अब इसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, मतलब राइज कितना इंक्रीज हुआ है। इंटरप्रिटेशन अगर निकालेंगे तो 128.53 माइनस 100 करेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा 28.53, मतलब इतना परसेंट हमें क्या हुआ है, इंक्रीज इन फूड आइटम्स। ओके, प्राइस एंड कंजप्शन इतना इंटरप्रिटेड, अगर इंटरप्रिट बोला हो तो आपको ये इंटरप्रिटेशन निकालना ही पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन आप ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज करते हो उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हो, तो आपका इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा कितना परसेंट हुआ, 28.53। तो ये आपका था सेकेंड सम
ओके अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 3 थर्ड एंड लास्ट सम ऑफ दी एक्सरसाइज। और भी बहुत सारे सम है, 5-6 सम है, बट वो बहुत ईजी है कैलकुलेट करने में, बिकॉज इसी मेथड्स पे है। तो मैं ये लास्ट सम कैलकुलेट आपको बताऊंगी करके, एंड देन फिर आप खुद से सॉल्व करिएगा पूरी एक्सरसाइज के सम। ओके सो ये लास्ट सम है कैलकुलेशन का मेरा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। हमें कौन सा मेथड फाइंड करना है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हमें गिवन क्या क्या है? आइटम गिवन है, यूनिट गिवन है, क्वांटिटी ऑफ ईयर 2014 एंड प्राइस ऑफ ईयर 2014, प्राइस ऑफ ईयर 2015। तो इसमें से बेस ईयर कौन सा होगा हमारा? 2014 और करंट ईयर 15। तो बेस ईयर को हम क्या लेंगे? ये हो जाएगा Q0, P0, ये हो जाएगा P1। अब हम चेक करेंगे क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस गिवन है, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं। क्विंटल, यहाँ पे 1 क्विंटल का दिया है 50 kg, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख, पेंसिल से हम कर लेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। ओके देन 20 kg यहाँ पे गिवन है, ये 18 kg का गिवन है आपको प्राइस, मतलब हमें तो पर प्राइस चाहिए ना, आइटम बी का पर प्राइस चाहिए पर केजी में। तो यहाँ पे 340 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमें पर केजी मिल जाएगा। ओके क्योंकि ये तो 20 kg की प्राइस गिवन है, हमें पर केजी की चाहिए। यहाँ पे 10 लीटर गिवन है, हमें पर लीटर प्राइस चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 10 पर लीटर की प्राइस मिल जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे डजन दिया है, ये पीसेस दिया है, तो हम क्या करेंगे? डजन को पीस में चेंज कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे? सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हमें पीसेस में मिल जाएगा। इसको चेंज, क्वांटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वांटिटी ऑलरेडी केजी लीटर पीस में गिवन है। अब यहाँ पे मीटर गिवन है, और यहाँ पे 12 एंड 16 ये पर मीटर की प्राइस गिवन है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, तो हम एज इट इज लिखते जाएंगे। पहले तो Q0 है, तो Q0 में एज इट इज हम लिख लेंगे 50, 18, 12, 20 एंड 14। यहाँ पे लिखेंगे 50। ओके नेक्स्ट 1200 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 12। P1 में 1700 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 17। 340 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखते हैं। 340 डिवाइडेड बाय 20 17। सिमिलरली 380 डिवाइडेड बाय 20 19। 30 डिवाइडेड बाय 10 3। 40 डिवाइडेड बाय 10 4। 15 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 1.25 समथिंग। 15 डिवाइडेड बाय 12 1.25। 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 2। ये तो हमें एज इट इज लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो 12 एंड 60। ओके तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये कुछ याद आ रहा है? हमें P1, P0 एंड Q0 दिया है, मतलब ये कौन से फॉर्मूला से जाएगा? यस करेक्ट, IL। कौन से फॉर्मूला से? IL लेस्प्रेस। इसका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू एंड 1000। हमें यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस चाहिए, बाकी सारी डेटा हमें बेस ईयर की चाहिए। ओके तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? P1 Q0 then P0 Q0। तो हम पहले निकालते हैं P1 Q0 मतलब सबसे पहले ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 15 × 17 = 850, 18 × 19 = 342, 20 × 2 = 40, 14 × 16 = 224, then
पी जीरो क्यू जीरो चाहिए हमें। पी जीरो क्यू जीरो कैसे मिलेगा? पी जीरो इंटू क्यू जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 50 इंटू 12 600, 18 इंटू 17 306, 12 थ्री जा 36, 20 इंटू 1.25 तो आ जाएगा 25, देन 14 इंटू 12 168। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? इन दोनों का टोटल, टोटल चाहिए। तो हम टोटल फाइंड करेंगे, 850 प्लस 342 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 224, कितना है टोटल? 1504। देन 600 प्लस 1135, दोनों का हमें टोटल मिल गया। यहाँ पे सिंपल ऐड करेंगे फॉर्मूला में, 1504 अपॉन 1135, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 1504 डिवाइडेड बाय 1135 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? 132.51। यहाँ पे बोला तो नहीं है कि इंटरप्रिटेशन निकालना, फिर भी आप एक बार निकाल लेना, टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। इंटरप्रिटेशन 132.51 माइनस 100 इज इक्वल टू 32.51%, ये इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बाय किससे? लेस्पिरस से। अगर आपको इसके जगह पे अगर ये दिया होता प्राइस ऑफ करंट ईयर P1 Q1, ये यहाँ पे करंट ईयर का दिया होता और ये अगर बेस ईयर होता, तो आप किससे करते? आप पैचिस के मेथड से करते। पैचिस का मेथड भी आपको आता है सिंपली, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होता है और देन आंसर फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड से फॉर्मूला फाइंड करते हैं किसका? फैमिली बजट का। और टोटल एक्सपेंडिचर का किससे होता है? लेस्पिरस एंड पैचिस से, सेम एज उसी मेथड से होता है। बस इतना याद रखना होता है कि ये डेटा जो गिवन है उसके ऊपर से हमें मेथड सिलेक्ट करना होता है। अभी ये डेटा जो था वो लेस्पिरस मेथड से कैलकुलेट होने वाला था, तो हमने उससे किया। अगर पैचिस से होने वाला रहेगा तो हम उससे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस थोड़े बहुत शॉर्ट सम्स बाकी है इस चैप्टर के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये शॉर्ट सम्स क्या है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के शॉर्ट सम्स मैं लूंगी, थोड़े इलस्ट्रेशन से लूंगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और हर एक शॉर्ट सम्स मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी बुक में। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।